मैं स्कूलों में जाता हूं आजकल एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम पे जब से चर्चा हुई है, हैप्पीनेस एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करता हूं, वहां उनसे पूछता हूं बच्चों से, 1000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, 2000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, उनसे पूछता हूं कि आप में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं। 99.9% बच्चे तक कहते हैं साहब हम नौकरी करना चाहते हैं। मेरा सवाल हर जगह यही होता है कि अगर हमारे स्कूलों से निकलने वाले 99.9% बच्चे अगर नौकरियां ढूंढते रहेंगे तो फिर नौकरियां देने वाले कहां से आएंगे। उसका जवाब एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम से हमें निकालना है कि अगर 1% बच्चे भी आगे बढ़ के एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स बनने की दिशा में चल पड़े तो इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सुपर पावर बनने, ये बड़ा विजन है, बड़ा ड्रीम है। जिस वक्त हम देशभक्ति की बात करते हैं ना, कि जब दुश्मन की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए जान देना देशभक्ति है, लेकिन जब बेरोजगारों की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए नौकरियां देना देशभक्ति है। आप अपने स्कूलों से देशभक्त पैदा करें। हम खूब 15 अगस्त मनाएं, खूब 26 जनवरी मनाएं, अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश के लिए जान देने के लिए, लेकिन साथ साथ अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश को नौकरियां देने के लिए। क्योंकि नौकरियां नहीं रहेंगी तो जितने सुसाइड देश भर में हो जाते हैं उससे कम लोग बॉर्डर पे मारे जाते हैं। अगर आप बॉर्डर की बात करें तो अभी दुश्मन की सेना से जो खतरा है वो तो होता ही है, किसी भी मुल्क को होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा देश के नौजवानों को आज बेरोजगारी से है। और बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए हमें देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे, ऐसे देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे जो हजारों हजारों लोगों को नौकरियां दे सके। आज देश नौकरियां देने को देशभक्ति से जोड़ने की जरूरत है।